हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन यूनिट मॉड्यूल नंबर 5, और ये लेक्चर नंबर हमारा इसका 3 है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फार्मूले को डिस्कस करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फार्मूला जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2017-18 में स्टेट एंड प्रूफ पूछा गया है। इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही 2017-18 में। स्टेटमेंट कहता है, अगर एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, देन एफ ए इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल अलोंग क्लोज कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। मीन्स ये कहना चाहता है कि अगर कोई ये क्लोज कर्व सी है और उसके अंदर कहीं पर पॉइंट है जेड इक्वल टू ए, और इस पूरे क्लोज कर्व के अंदर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, तो ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/2πi इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, ये फार्मूला कहता है। अब इस फार्मूले को हम पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो जो ये हम एक तरीके से इसको क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और वो इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करके किसके इक्वल आनी चाहिए, 2πi इंटू एफ ए के। और मैंने बार बार आपको यही बात कही, कभी भी कोई इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सॉल्व करना हो तो आपको 3 बातों पर ध्यान देना है। पहला फंक्शन एफ जेड, दूसरा कर्व, और तीसरा सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एफ जेड जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होगा, जो इंटीग्रल के अंदर वाला फंक्शन है, यानी कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। इस फंक्शन पर फोकस करें तो ये फंक्शन विच इज नॉट एनालिटिक नहीं है। कहाँ पर एनालिटिक नहीं है भैया, जहाँ डिनोमिनेटर जीरो जिस पॉइंट पर हो जाता है फंक्शन, वहाँ एनालिटिक नहीं होता है। तो जेड इक्वल टू ए पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो इसलिए फंक्शन किस पर एनालिटिक नहीं होगा, जेड इक्वल टू ए पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सभी पॉइंटों पर हो जाएगा। तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें, मान लिया ये हमारे पास क्लोज कर्व सीधा और इसके अंदर हमारे पास ये ए पॉइंट था। अब ये फंक्शन एनालिटिक सिर्फ ए ही पॉइंट पर नहीं बन रहा है, तो हमने क्या किया, ए को सेंटर मानकर एक बहुत स्मॉल रेडियस का दूसरा सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये सी सर्कल था, एक सी वन सर्कल इसके अंदर ड्रॉ कर दिया। इसकी रेडियस हमने मान ली कितनी है, रो है। इसकी रेडियस कितनी मान ली, रो है। अब हमें इसी पॉइंट से दिक्कत थी, तो हमने क्या किया कि इसके अबाउट एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और मान लिया कि ये सर्कल हमने कट करके निकाल लिया यहाँ से पोर्शन। तो ये जो पोर्शन बचा, जो हमारा रीजन था पूरा सर्कल के अंदर का, अब उस रीजन में से ये वाला पोर्शन कट गया, तो ये जो पोर्शन बचा, ये जो शेडेड बाहर वाला, ये रीजन हमारा क्या बन गया, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बन गया। ये क्या बन गया, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बन गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट सी वन इज एनी सर्कल, सी वन इज एनी सर्कल विद सेंटर एट जेड इक्वल टू ए एंड रेडियस रो। ठीक है, सच दैट सी वन एंटायरली लाई इनसाइड, किसके अंदर लाई करे, सी के। तो अब ये फंक्शन ये इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये जो सी वन सर्कल है वो पूरी तरीके से सी सर्कल के अंदर लाई करे। ठीक है, तो अब वो फंक्शन नाउ एफ जेड अपोन जेड माइनस ए क्या हो जाएगा, इज एनालिटिक हो जाएगा इन द रीजन बिटवीन सी एंड सी वन।
अब ये फंक्शन जेड इक्वल टू ए पर ही तो एनालिटिक नहीं बन रहा था, अब इसे इतने वाले पोर्शन को काट कर निकाल दिया, तो बीच वाले पोर्शन में कहीं पर भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये इन्फिनेटिव बनेगा, क्योंकि ए पर ही दिक्कत थी वो हमने कट करके निकाल दिया, तो फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया बाकी बचे पार्ट में। बाकी बचा पार्ट मतलब जो पोर्शन सी वन और सी के बीच का पोर्शन है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर एक क्रॉस कट लगा दें ऐसे, तो ये जो एनालिटिक फंक्शन है, तो कोची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसकी बाउंड्री जो क्लोज कर्व सी है उसकी बाउंड्री पर फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये क्लोज कर्व जब यहाँ से एक कट लगा दिया तो ये रीजन सिंपली कनेक्टेड मल्टीपली कनेक्टेड ना होकर अब सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा, और सिंपली कनेक्टेड रीजन की बाउंड्री के लिए हमने पढ़ा कोची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब जब हम इसकी बाउंड्री देखेंगे, यहाँ से कट कर दिया तो बाउंड्री क्या बनेगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले तो क्लोज कर्व सी ए बनेगा, उसके अलोंग इंटीग्रेशन आएगा, सी के अलोंग इंटीग्रेशन आएगा, फिर इंटीग्रेशन आएगा यहाँ से जा रहे हैं इस रास्ते के अलोंग, इसे ए बोलूँ और इसे बी बोलूँ तो ए बी के अलोंग इंटीग्रेशन आएगा, ए बी के अलोंग, फिर अंदर जाएंगे तो इसके राउंड जाएंगे, मतलब एक सर्कल एक डायरेक्शन में चले ना ऐसे चले, फिर यहाँ अंदर जाएंगे ए बी के अलोंग ये इंटीग्रेशन बनेगा, फिर जाएंगे ये सी वन के अलोंग पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आ जाएगा सी वन के अलोंग इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस आएंगे तो ये फिर से इस डायरेक्शन में आएगा, भी ए बी के डायरेक्शन में गए थे, अब बी ए के डायरेक्शन में वापस आएंगे तो इसे माइनस ए बी लिख सकते हैं, और इंटीग्रल की वैल्यू कोची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो ये और ये दोनों इंटीग्रल कट जाएंगे, बाकी ये बचेगा सी के अलोंग इंटीग्रेशन, ये उधर चला जाएगा तो सी वन के अलोंग इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, कोची इंटीग्रल थ्योरम से ये जो इंटीग्रल अलोंग कर्व सी है एफ जेड अपोन जेड माइनस ए जो हमें सॉल्व करना है वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल अलोंग कर्व सी वन एफ जेड अपोन जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है। इसी को कोची एक्सटेंशन थ्योरम भी बोलते हैं। कोची एक्सटेंशन थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है और बाहर वाले कर्व के अलोंग इंटीग्रल उस केस में इक्वल होता है अंदर वाले जितने भी कर्व हैं उनके अलोंग इंटीग्रल के सम के। तो यहाँ पर बाहर वाला कर्व सी था, इसके अलोंग इंटीग्रेशन इक्वल होगा अंदर वाले कर्व सी वन के इंटीग्रल के इक्वल। अगर दो कर्व होते अंदर सी वन और सी टू तो सी के अलोंग इंटीग्रल इज इक्वल टू होता इंटीग्रल अलोंग सी वन प्लस इंटीग्रल अलोंग सी टू। तीन होते तो सी के अलोंग इंटीग्रल होता सी वन के अलोंग इंटीग्रल प्लस सी टू के अलोंग प्लस सी थ्री के अलोंग, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें ये इंटीग्रल निकालना था तो हम इसको अगर सॉल्व कर ले तो अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि दोनों इंटीग्रल किसके इक्वल हैं, जी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो बट जो सी वन इंटीग्रल है इस क्या है, हमारे पास सर्कल है और सर्कल की इक्वेशन क्या है भाई, सर्कल का सेंटर ए है और रेडियस रो है, तो सर्कल की इक्वेशन हुई मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू रो, और मैंने बताया था मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू रो है तो मोड हटाएंगे तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा रो ई की पावर आई थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम जेड निकालें तो जेड क्या बनेगा, ए प्लस रो ई की पावर आई थीटा, तो डी जेड की वैल्यू क्या बनेगी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो ए तो कॉन्स्टेंट है डिफ्रेंशिएशन जीरो और रो कांस्टेंट है, रो ही आ जाएगा ई की पार आई थीटा का इंटीग्रेशन ई की पार आई डिफरेंशिएशन ई की पार आई थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यू यूज़ करें तो हमारा जो पहला ये सी वन वाला इंटीग्रल है यानी कि एफ जेड अपोन जेड माइनस ए डी जेड, इसको सॉल्व करें तो एफ जेड जेड की जगह पर वैल्यू आ जाएगी ए प्लस रो ई की पावर आई थीटा, ये निकाली थी ना जेड की वैल्यू वो रख दी, और z माइनस ए की वैल्यू कितनी आई थी, रो ई की पावर आई थीटा वो रख देते हैं, रो ई की पावर आई थीटा, और dz की वैल्यू अभी निकाली है रो ई की पावर आई थीटा इंटू आई आई डी थीटा, ठीक है। अब थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सर्कल के राउंड थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कितने एंगल रोटेट होगा चारों तरफ एक राउंड में, जीरो से लेकर टू पाई तक, तो ये इसकी लिमिट आ जाएगी। अब से इंटीग्रेट करते हैं भाई, रो ई की पावर आई थीटा से रो ई की पावर आई थीटा कट जाएगा तो बाकी क्या बचा, आयोटा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल जीरो से टू पाई, और ये बचा हमारा एफ ए प्लस रो ई की पावर आई थीटा और बचा डी थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
अब यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल करना था, यहाँ पर हमने ये सर्कल क्यों बनाया था भाई, यहाँ पर सिंगुलैरिटी बन रही थी जेड इक्वल टू ए इसके सर्कल रीजन के अंदर, उसे हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा सीवन सर्कल बनाकर कट करके निकाल दिया। अब ये जो सर्कल बनाकर निकाला है सिर्फ क्यों निकाला है, इस ए जो डिस्टर्बेंस बन रहा था जिसकी वजह से फंक्शन एनालिटिक नहीं बन रहा था उस ए पॉइंट को हटाने के लिए। पर ये सर्कल बनाते ही बहुत सारे पॉइंट हट गए, तो हमें तो सिर्फ ए को हटाना था, तो एक काम ना करें सिर्फ ए को हटाना है तो इस सर्कल की जो रेडियस है रो वो टेंडिंग टू जीरो कर दें, तो सिर्फ एक पॉइंट बन जाएगा और ए पॉइंट हमारा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ टेकिंग रो टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये जो हमारा C1 के अलोंग एफ जेड अपोन जेड माइनस ए का इंटीग्रेशन डी जेड हम निकाल रहे थे, यहाँ पर दोनों तरफ रो टेंस टू अगर हम जीरो लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई जीरो से टू पाई और रो को जीरो कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा एफ ए डी थीटा, क्योंकि रो तो जीरो हो गया। अब एफ ए कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो बाहर आ जाएगा और ये रहेगा हमारा आई जीरो से टू पाई डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, आई एफ ए डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और लिमिट हमारी हो गई जीरो से टू पाई, तो इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू एफ ए इंटू टू पाई। ठीक है स्टूडेंट, अब इस वैल्यू को, ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई C1 के अलोंग इंटीग्रल की, और ये C1 वाला इंटीग्रल इक्वेशन वन से किसके इक्वल था, इंटीग्रल अलोंग C, तो इसको अगर हम यूज़ करें इन वन तो ये जो इंटीग्रल है सी एफ जेड अपोन जेड माइनस ए डी जेड, ये वाला इंटीग्रल ठीक है किसके इक्वल होगा, इक्वेशन वन से ये इंटीग्रल इक्वल होगा इंटीग्रल अलोंग सी वन एफ जेड अपोन जेड माइनस ए डी जेड के, और ये वैल्यू अभी सॉल्व करी है, ये किसके इक्वल आई है टू पाई आई इंटू एफ ए, यानी कि ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये दोनों भी आपस में इक्वल, तो एफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, सो एफ ए किसके इक्वल हो गया, एफ ए इज इक्वल टू हो गया वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, तो इस ये ही हमारा स्टेटमेंट में भी था, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया, अब हम एक काम करते हैं इसको क्वेश्चन करने में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन करने में इसे कैसे यूज़ करना है भाई, यहाँ से इसने तो बताया कोची ने कि अगर कोई फंक्शन क्लोज कर्व सी के अंदर सभी पॉइंटों पर एनालिटिक एफ जेड सिर्फ ए पॉइंट को छोड़कर, जेड इक्वल टू ए को छोड़कर बाकी सभी पॉइंटों पर फंक्शन क्या है एनालिटिक है, जेड इक्वल टू ए जो पॉइंट है उस अंदर फंक्शन के अंदर लाई कर रहा है, तो ए पर फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल होगी, फंक्शन एफ जेड सभी पॉइंटों पर एनालिटिक है और जेड इक्वल टू ए पॉइंट अंदर लाई कर रहा है इसके, तो ए पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉइंट टू पाई आई अलोंग इंटीग्रल अलोंग कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, तो ये वैल्यू इसने फार्मूला तो बताया ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, हम इसे इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए यूज़ कर लेंगे, यहाँ से एफ ए बराबर इतना है तो इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा टू पाई आई इंटू एफ ए के, तो हम क्वेश्चन करने में इसे इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए यूज़ करेंगे भाई। यहाँ पर ये अप्लाई करते समय अब आपको यहाँ से एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, इसे अप्लाई करते समय हमें क्लू मिलता है क्वेश्चन में कि आपको तीन बातों पर फोकस करना होता है, पहले तो फंक्शन, दूसरा फिर कर्व, तीसरा फिर उसकी सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी कैसे निकालते हैं भाई, वो पॉइंट जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उन्हें सिंगुलैरिटी कहते हैं, तो सिंगुलैरिटी को डिनोमिनेटर जीरो रखकर आपको सिंगुलैरिटी मिल जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको क्या करना है, पहले सिंगुलैरिटी निकालेंगे डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखकर, तो मिल रही है जेड इक्वल टू जेड माइनस ए को जीरो रखेंगे तो जेड इक्वल टू ए आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो भी इंटीग्रल दिया हो जिसमें एक ही सिंगुलैरिटी कर्व के अंदर लाई कर रही है जैसे जेड इक्वल टू ए, तो जेड माइनस ए फैक्टर को नीचे छोड़ देना है, ठीक है, यानी कि ये डिस्टर्बेंस फैला रहा है तो इसको बेइज्जती के साथ नीचे रखना है ठीक है, नीचे रखना है, और ये जो बाकी बचा ये वाला हिस्सा इसको कॉलर उठाकर ऊपर रखना है, मतलब
जिसकी बेइज्जती होती है वो तो अपने आप को शर्म महसूस करता है, और ये जो नहीं होती वो खुश होते हैं कि हमारी तो नहीं हुई कॉलर उठा कर। तो यानी कि सिंपल सी बात, जो जिसकी बेइज्जती किसकी होगी, जो डिस्टरबेंस कर रहा है, तो जेड इक्वल टू ए फैक्टर डिस्टरबेंस, जेड इक्वल टू ए डिस्टरबेंस कर रहा है तो जेड माइनस ए फैक्टर को नीचे रखना है और बाकी को ऊपर उठाकर रख कर देना है, इंटीग्रल के अंदर ऊपर उठाकर लिखना है और फिर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो जो ये कॉलर उठाए बैठे हैं ना, यानी कि एफ जेड, ये इंटीग्रल की वैल्यू बताएंगे। इसके अंदर जेड इक्वल टू ए जो बेइज्जती वाले वो वैल्यू रख देनी है इंटू टू पाई ए, इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है क्वेश्चन करने। अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल जिसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए सॉल्व करने का, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने का एक ही प्रोसेस है। तीन बातों पर ध्यान रखना है, पहले फोकस करना है, पहले फंक्शन एफ जेड जो इंटीग्रल के अंदर लिखा हुआ है, फिर कर्व सी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ड्रॉ करना है, तीसरा फिर सिंगुलैरिटी निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनको जीरो के इक्वल रखकर, ठीक है, ई की पावर वाली टर्म कोई है तो उसे न्यूमरेटर में पहुंचा देना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा एनालिटिक रहता है, तो एनालिटिक वाला पार्ट ऊपर ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद सिंगुलैरिटी निकालने के बाद देखना है कि कौन सी सिंगुलैरिटी इंटीग्रल रीजन के कर्व के अंदर आ रही है। अगर एक ही पॉइंट इंटीग्रल कर्व के अंदर आ रहा है जो सिंगुलैरिटी वाला है, तो फिर ये वाला कंसेप्ट लगाना है कि जेड इक्वल टू ए अंदर आ रहा है तो जेड माइनस ए वाला पार्ट जो है इंटीग्रल के अंदर उसको बेइज्जती के साथ नीचे छोड़ देंगे और बाकी पार्ट को कॉलर उठाकर, यानी कि सारे पार्ट को उठाकर ऊपर की तरफ को खिसका देंगे और फिर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्रोसेस 2πi इंटू ये जो कॉलर उठाकर ऊपर वैल्यू बैठी थी एफ जेड, उसमें जेड बराबर ए रखकर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये वाला हम एग्जांपल देखते हैं। कहता है स्टेट कोची इंटीग्रल फार्मूला हैंस इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इंटीग्रल सॉल्व करना है। इसमें ये वाला फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो फंक्शन जो इंटीग्रल के अंदर दिया हुआ है वो हम एफ जेड लेंगे। एफ जेड इंटीग्रल के अंदर क्या दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस फोर इंटू ई की पावर जेड, नीचे है हम उसे ऊपर ले जाते हैं तो ई की पावर माइनस जेड लिख सकते हैं। तो ये हमारा एफ जेड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया उसके बाद फोकस करना है पहले एफ जेड पर फिर कर्व पर। कर्व सी क्या है और यहाँ पर सी क्या है, सी जो दिया हुआ है मोड जेड इक्वल टू वन, और हम जानते हैं कि ये जो मोड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की, और सर्कल का सेंटर क्या होता है, यहाँ पर सेंटर होता है जेड नॉट। अगर ये जेड माइनस जेड नॉट है तो सेंटर जेड नॉट होता है, और जेड नॉट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा, नहीं होगा तो पहले लिखना है ए प्लस आई बी की फॉर्म में। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे ए कॉमा बी, और यहाँ से कंपेयर करके ये रेडियस आर निकल आएगी। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास जेड नॉट की वैल्यू तो जीरो है, जेड नॉट की जगह पर तो जीरो दिख रहा है, तो जेड नॉट जीरो का मतलब जीरो प्लस जीरो आई लिख सकते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बन गए जीरो कॉमा जीरो, और रेडियस आर की जगह पर हमें क्या दिख रहा है, वन। तो इसका मतलब यहाँ जो दिया हुआ कर्व है वो एक ऐसा सर्कल सी है जिसका सेंटर कहाँ पर है, जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर हो गया। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, है ना, और ओरिजिन पर सेंटर हो गया जीरो कॉमा जीरो, और रेडियस कितनी बोल रहा है इसकी, ये रेडियस इसने बोली है वन, और ये हमारा कर्व सी सर्कल हो गया। अब मैंने क्या बताया, तीन बातों पर देख फोकस करना है, एफ जेड पर, कर्व सी फिर ड्रॉ कर लेना है, तीसरा फिर सिंगुलैरिटी निकालनी है। तो फॉर सिंगुलैरिटी के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो डिनोमिनेटर में टर्म क्या आ रही है, जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस फोर, इसको हम कर देंगे जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो इसको जीरो के इक्वल रखकर, चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, जेड स्क्वायर की जगह पर पहले जेड लेते हैं फिर जेड स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जेड लिया तो इसकी सिंगुलैरिटी क्या आ जाएगी, अभी हमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, जेड स्क्वायर की जगह पर जेड लिया, तो अब इसकी सिंगुलैरिटी निकालें तो जेड की वैल्यू यहाँ से क्या क्या बनेगी, जीरो, इसको जीरो के इक्वल रखें तो जेड की वैल्यू प्लस टू और माइनस टू। अब जो ये सिंगुलैरिटी आई है इनको हमें ड्रॉ करना है प्लेन के अंदर। तो भाई जीरो को ड्रॉ करने के लिए पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो जीरो प्लस जीरो आई, तो कोऑर्डिनेट क्या बने, जीरो कॉमा जीरो। टू को भी क्या लिखेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में टू प्लस जीरो आई लिख सकते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, टू कॉमा जीरो। माइनस टू को भी क्या लिख सकते हैं, माइनस टू कॉमा जीरो। अब इन पॉइंटों को अगर प्लॉट करें तो हम देख रहे हैं तीनों पॉइंटों के वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी कि ये पॉइंट ये भी ये भी ये भी एक्स एक्सिस पर होगा। तो एक पॉइंट तो हो गया ये रहा जेड इक्वल टू जीरो,
एक पॉइंट जेड इक्वल टू टू कॉमा जीरो, भाई टू कॉमा जीरो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड, और यहाँ हम देख रहे हैं इसकी रेडियस बनती तो वो यहाँ तक तो वन ही हो गया, तो टू कहाँ होगा इसके बाहर, तो जेड इक्वल टू टू पॉइंट बाहर आ गया। और फिर देखते हैं जेड इक्वल टू ये वाला पॉइंट माइनस टू, ये बाहर होगा, ये भी माइनस टू इधर की साइड, क्योंकि रेडियस वन है तो माइनस वन तो यहीं हो जाएगा, तो माइनस टू चाहिए हमें तो वो इसके बाहर यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों सिंगुलरिटी में से जीरो टू और माइनस टू में से ओनली जेड इक्वल टू जीरो अंदर लाई कर रही है, ओनली जेड इक्वल टू जीरो जो सिंगुलरिटी है वो अंदर लाई कर रही है। तो जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो सिंगुलरिटी लाई इन साइड सी, सिर्फ सी के अंदर यही लाई कर रही है। तो जब एक ही सिंगुलरिटी लाई कर रही हो और ऑर्डर वन की हो, ऑर्डर वन मतलब उस सिंगुलरिटी जो हमने निकाली है किस फैक्टर से निकाली है, इस वाले फैक्टर से निकाली है, अगर इसकी पावर वन है तो यानी कि वन टाइम ही आएगी, अगर जेड स्क्वायर होता तो जेड इन टू जेड लिखते और दो बार जीरो रखते तो जेड की वैल्यू जीरो जीरो दो बार आती, तो ऑर्डर टू की सिंगुलरिटी कहलाती। तो अभी फिलहाल हमने जेड स्क्वायर को हटा दिया, क्वेश्चन में चेंज किया, सिर्फ जेड रखा है, तो सिंगुलरिटी वन ऑर्डर की बनी। तो अगर ये फैक्ट वैल्यू एक ही बार रिपीट कर रही है सिंगुलरिटी और यानी कि वन ऑर्डर की है, तो कोची इंटीग्रल फार्मूला अब लग जाएगा, बाय कोची इंटीग्रल फार्मूला लग जाएगा। कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है, कोची इंटीग्रल फार्मूला कहता है कि अगर एक ही सिंगुलरिटी रीजन के अंदर आ रही है तो जो भी इंटीग्रल हमें फाइंड करने को कहा गया है, क्या था भाई, डी जेड अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस फोर इंटू की पावर जेड, मैंने ऊपर ले गया था माइनस जेड, तो इस वाले पूरे इंटीग्रल जिसको निकालना है उसमें से मैंने क्या बताया, जो फैक्ट सिंगुलरिटी बना रहा है फैक्टर, जेड इक्वल टू जीरो सिंगुलरिटी बनती थी, किस वजह से बनती थी भाई, जेड वाले फैक्टर से बनती थी, तो इस फैक्टर को बेइज्जती के साथ नीचे छोड़ेंगे और बाकी सब टर्म कोलर उठाकर ऊपर। तो इंटीग्रल को हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर e की पावर माइनस जेड अपोन जेड स्क्वायर माइनस फोर को तो ऊपर रख देंगे, बाकी क्या बचा जेड वाला फैक्टर वो बेइज्जती के साथ नीचे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है भाई, अभी बताया था कि कोची इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रल की वैल्यू निकाले तो किसकी इक्वल होती है, टू पाई आई इंटू जो कोलर उठाकर ऊपर गए उनको महत्व ज़्यादा देना है, यानी कि ई की पावर माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस फोर, और महत्व क्या देना है भाई, इनमें वैल्यू रख देनी है, कौन सी, जेड इक्वल टू जो सिंगुलरिटी अंदर आ रही थी, कौन सी आ रही थी, जीरो, तो जेड इक्वल टू जीरो रख देंगे, जैसे ही जीरो रखेंगे इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी टू पाई आई ई की पावर जीरो, तो वन हो जाएगा, ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, नीचे जेड जीरो रखेंगे तो ये माइनस फोर बचेगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है माइनस पाई आई बाय टू, ये इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था 2012-13 में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट उसमें जेड स्क्वायर था, तो जेड स्क्वायर वाले क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी डायरेक्ट ये जो कोच इंटीग्रल फार्मूला है वो लग जाए, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में एक और क्वेश्चन है इसी में, ये पार्ट नहीं था वैसे क्वेश्चन, ये अलग अलग आए हुए, मैंने एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन लिख दिए, तो यहाँ पर क्योंकि स्टेटमेंट सबका सेम है, करना सेम है, तो इसलिए एक ही क्वेश्चन में सब पार्ट्स बना दिए। तो ये वाला 2014-15 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इंटीग्रल इवेलुएट करना है हमें, इंटीग्रल टू जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जी जेड, वेयर सी इज द सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू वन बाई टू, 2014-15 में आया क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर हमें एफ जेड फंक्शन क्या दिया हुआ है, टू जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड, और सी जो सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू वन बाई टू दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया, पहले एफ जेड पर फोकस करें, कर्व सी पर, फिर सिंगुलरिटी पर, एफ जेड लिख दिया, अब सी कर्व को ड्रॉ करते हैं भाई, अभी बताया था ना ये एक सर्कल होगा जो कि इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, जेड माइनस जेड नोट का मोड इज इक्वल टू आर, तो जेड नोट की प्लेस पर यहाँ जीरो है, तो जीरो इसका सेंटर हुआ, जीरो को जीरो प्लस जीरो आई लिख सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म क्या बनी सेंटर की, जीरो कॉमा जीरो, और आर रेडियस वन बाय टू, तो यानी कि एक ऐसा सर्कल आएगा, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजन है, ओरिजन, और रेडियस कितनी है आर, वन बाय टू, तो वन बाय टू रेडियस का ये सर्कल बन जाएगा, ये वन बाई टू रेडियस का सर्कल हो गया, इसका मतलब एटमोस्ट यहाँ तक वन बाई टू तक जाएगा, यहाँ तक माइनस वन बाई टू तक जाएगा। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन। अब हम इसकी सिंगुलरिटी पर फोकस करते हैं, पहले एफ जेड देखा फिर कर्व ड्रॉ करा, अब इसकी सिंगुलरिटी, तो सिंगुलरिटी क्या होगी, एफ जेड आर गिवन बाय k
कैसे निकलती है भाई, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखकर। तो डिनोमिनेटर यहाँ जेड स्क्वायर प्लस जेड है, इसे जीरो रखा तो जेड इंटू जेड प्लस वन बनेगा, और जेड की वैल्यू यहाँ से निकलती है क्या, जीरो और एक माइनस वन। अब हमें फोकस करना है कि इनमें से कोई सिंगुलैरिटी अंदर आ रही है, अगर कोई भी अंदर नहीं आ रही तो कोची इंटीग्रल थ्योरम लगेगी, और कोची इंटीग्रल थ्योरम कहती है कोई भी सिंगुलैरिटी अंदर नहीं है यानी कि फंक्शन एनालिटिक है, तो एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, कर्व जो भी दिया हुआ है उसके अलोंग इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती है, और अगर एक भी सिंगुलैरिटी अंदर आ रही है तो कोची इंटीग्रल फार्मूला लगता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जेड इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू माइनस वन दो सिंगुलैरिटी हैं, जेड इक्वल टू जीरो मतलब जीरो कॉमा जीरो, और जेड इक्वल टू माइनस वन मतलब माइनस वन कॉमा जीरो पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखें तो माइनस वन कॉमा जीरो पॉइंट देखें तो यहाँ पर रेडियस माइनस वन बाय टू हो चुकी है, रेडियस वन बाय टू है तो ये माइनस वन बाय टू तक इधर जाएगा, तो माइनस वन पॉइंट तो इसके बाहर ही रह जाएगा, तो माइनस वन तो ये बाहर रह जाएगा और जीरो वाला पॉइंट अंदर आ रहा है, ये रहा जेड इक्वल टू जीरो। तो इसमें से अगर ध्यान से देखें तो केवल एक ही सिंगुलरिटी अंदर लाई कर रही है, हेयर ओनली जेड इक्वल टू कौन सी, जीरो सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी लाई इन सी। और जब एक ही सिंगुलरिटी लाई करें तो हम कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाते हैं, तो सो बाय कोची इंटीग्रल फार्मूला से जो भी इंटीग्रल हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा था, टू जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड का इंटीग्रल, वो इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टू जेड प्लस वन अपॉन जेड इंटू जेड प्लस वन डी जेड। अब इस इंटीग्रल को मैंने क्या बताया था भाई, जिस फैक्टर की वजह से ये सिंगुलैरिटी आई है, किसकी वजह से आई है, जेड इक्वल टू जीरो सिंगुलैरिटी किसकी वजह, इस वाले फैक्टर, इस फैक्टर की बेइज्जती के साथ इसको नीचे छोड़ देंगे और बाकी पार्ट को कॉलर उठाकर ऊपर, यानी कि ये वाला पार्ट ऊपर, टू जेड प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन, ठीक है। और इंटीग्रल करने के लिए आपको इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए इस कॉलर उठे हुए पार्ट को महत्व देना है, और कोची इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग टू पाई आई से इंटू होगी, और ये कॉलर उठा हुआ पार्ट जो है यानी कि टू जेड प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन, इसमें हम वो वैल्यू रख देंगे जो सिंगुलरिटी अंदर आ रही है, क्या आ रही है, जेड इक्वल टू जीरो अंदर आ रही थी, दोनों में से जीरो वाली जो अंदर आ रही थी तो जीरो रख देंगे, तो इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही जीरो रखेंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू ये जीरो जीरो वन टू पाई आई आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2014-15 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजीली हो जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं इसका, थर्ड पार्ट में हमें इंटीग्रल इवेल्युएट करने को कहा गया था, e टू दी पावर जेड टी अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन डी जेड, थर्ड पार्ट में ये इंटीग्रल, ठीक है, ये इवेल्युएट करने को क्वेश्चन में कहा गया था, और क्वेश्चन में कहा गया है c जो है वो हमारा क्या है, सर्कल है मोड जेड इज इक्वल टू थ्री, तो ये सॉल्व करना है, करते हैं भाई ज़रा इसके सॉल्यूशन की तरफ फोकस करें। तो मैंने कहा तीन बातों पर फोकस करनी होती है, पहला एफ जेड, तो एफ जेड यहाँ पर होगा जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है e की पावर जेड टी अपोन जेड स्क्वायर प्लस वन। दूसरा फोकस करना होता है कर्व सी पर, तो ये सी कर्व आप देख सकते हैं, इसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस थ्री वाला सर्कल बन जाएगा, तो ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, थ्री, इसका मतलब ये यहाँ पर मैक्सिमम थ्री तक जाएगा और इधर जाएगा माइनस थ्री तक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारी हो गई ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, पहला एफ जेड पर फोकस करा, दूसरा कर्व सी पर फोकस करा, अब तीसरा इसकी सिंगुलैरिटी, तो सिंगुलैरिटी कैसे निकालते हैं भाई, सिंगुलैरिटी बताया अभी, सिंगुलैरिटी के लिए डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख देंगे, जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो रखेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो जेड स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस वन के, यहाँ से जेड की वैल्यू आएगी रूट ऑफ माइनस वन प्लस माइनस, तो जेड की वैल्यू दो बनी, एक प्लस आई और एक बनी माइनस आई, कोऑर्डिनेट फॉर्म में इन्हें लिखें तो इसको लिख सकते हैं जीरो प्लस आई, और कोऑर्डिनेट बनेंगे फिर इसके रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट वाई कोऑर्डिनेट, ऐसी इसके लिखने कोऑर्डिनेट तो जीरो माइनस आई लिख सकते हैं, अब इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी पार्ट वाई कोऑर्डिनेट, तो जीरो कॉमा माइनस वन। अब ये पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, आप देख सकते हैं जीरो कॉमा वन और जीरो कॉमा माइनस वन में जो ये पार्ट है
एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो यानी कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा और ये भी वाई एक्सिस पर होगा, तो ये वाई वन दूरी पर, ये माइनस वन, और हमारी रेडियस कितनी है थ्री, तो ऊपर मैक्सिमम प्लस थ्री तक जाएगा, नीचे माइनस थ्री तक, और हमें जाना है वन तक ये पॉइंट ड्रॉ करने के लिए, तो वन तो इसी के अंदर ही आएगा ना, यानी कि जेड इक्वल टू आई यहीं पर आएगा और जेड इक्वल टू माइनस आई भी इसी सर्कल के अंदर आएगा। तो इसका मतलब इस बार सर्कल के अंदर कितनी सिंगुलैरिटी लाई करनी है, गिवन सर्कल के अंदर दो सिंगुलैरिटी लाई करनी है, एक सी वन एंड एक आई और एक माइनस आई, दोनों लाई करनी है। तो हेयर बोथ सिंगुलैरिटी जेड इक्वल टू आई एंड जेड इक्वल टू माइनस आई लाई इन साइड सी। और जब भी ऐसा हो भाई, एक से ज़्यादा सिंगुलरिटी अंदर लाई कर रही है, तो एक तरीके से हम युद्ध लड़ रहे हैं और दो योद्धा अंदर आ गए हैं, तो एक थ्योरम से या एक फार्मूले से काम नहीं चलेगा, हमें उसमें एक से ज़्यादा फार्मूले लगाने पड़ेंगे या कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। और वो एक से ज़्यादा क्या है भाई, कि एक तो हमें कोची एक्सटेंशन थ्योरम लगानी पड़ेगी और फिर हम लगाएंगे कोची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है, क्योंकि कोची इंटीग्रल फार्मूले के लिए ये ड्रॉबैक है कि हम उसे तभी डायरेक्ट लगा सकते हैं जब हमारे कर्व के अंदर ओनली वन सिंगुलैरिटी लाई करती हो, जेड इक्वल टू ए। तो यहाँ पर एक सिंगुलैरिटी नहीं लाई कर रही है, दोनों ही लाई कर रही है, माइनस आई बी और प्लस आई बी। तो उसके लिए हम कोची एक्सटेंशन फार्मूला लगाएंगे। वो क्या कहता है एक्सटेंशन फार्मूला, जो दोनों सिंगुलैरिटी अंदर आ रही हैं, जैसे ये एक आ रही है, इसको सेंटर मानकर बहुत स्मॉल रेडियस का सी वन सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब दूसरी जो आ रही है ये वाली, इसको सेंटर मानकर एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया सी टू। बस ये ना तो सी को कट करे ना सी वन को, नॉन ओवरलैपिंग सी वन सी टू सर्कल सी के अंदर ड्रॉ कर दिया, है ना। तो यहाँ पर हमने लेट C1 एंड C2 आर सर नॉन इंटरसेक्टिंग तो दो सर्कल ड्रॉ कर लिए, C1 एंड C2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल इनसाइड C विद सेंटर Z इक्वल टू आई एंड माइनस आई। अब कोची एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है, बाय कोची एक्सटेंशन थ्योरम कोची एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है, कि जो इंटीग्रल होगा बाहर वाले कर्व के अलोंग, वो इजिकल टू होगा इंटीग्रल का सम अलोंग दोनों सर्कल के जो अंदर आ रहे हैं। तो बाहर वाले कर्व के अलोंग इंटीग्रल इजिकल टू होगा सम ऑफ इंटीग्रल अलोंग बोथ द टू कर्व्स। तो यानी कि इंटीग्रल जो भी हमें पूछा था कर्व सी के अलोंग ई की पावर जेड टी अपोन जेड स्क्वायर प्लस वन, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल अलोंग कर्व सी की पावर जेड टी अपोन जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई। ये जो इंटीग्रल है ये इक्वल होगा इंटीग्रल अलोंग किसके, सी वन के अलोंग प्लस सेम इंटीग्रल अलोंग सी टू के, कोची एक्सटेंशन थ्योरम से। तो इसे ई की पावर जेड टी अपोन जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई डी जेड अलोंग सी वन प्लस ई की पावर जेड टी अपोन जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस आई डी जेड लिख सकते हैं कोची एक्सटेंशन थ्योरम से। अब हम देखें तो ये क्वेश्चन मॉडिफाई होकर दो अलग क्वेश्चन बन गए, एक इंटीग्रल सी वन के लिए निकालना है और एक इंटीग्रल सी टू के लिए। तो अब इसको कोची इंटीग्रल फार्मूले से कर सकते हैं, क्यों भाई, ये वाले इंटीग्रल के अंदर हमने निकालना है तो मैंने कहा तीन बातों पर फोकस करना होता है, एक तो एफ जेड, एक कर्व और एक सिंगुलैरिटी। तो इस वाले फंक्शन के लिए एफ जेड तो ये हो जाएगा, सिंगुलैरिटी क्या बनेगी इसके लिए, जेड इक्वल टू जीरो रखेंगे तो जेड इक्वल टू आई आएगा और माइनस आई। अब मेरे दिए हुए सर्कल के अंदर जिसके लिए इंटीग्रल निकालना है सी वन, उसमें कौन लाई कर रहा है, आई या माइनस आई, तो मेरा सी वन सर्कल ये वाला था और इस सर्कल में ओनली क्या लाई कर रहा है, आई, एक ही सिंगुलैरिटी लाई कर रही है, और एक ही सिंगुलैरिटी लाई कर रही है तो कोची इंटीग्रल फार्मूला काम कर जाएगा। और वो क्या कहता है, जो डिस्टर्बेंस फैला रहा है सिंगुलैरिटी बन रही है जिसकी वजह से, आई की वजह से, तो उस फैक्टर को छोड़कर बेइज्जती के साथ नीचे छोड़ देंगे। तो जेड माइनस आई को नीचे छोड़ दिया, बाकी बचे पार्ट को कॉलर उठाकर ऊपर कर देंगे, यानी कि बाकी बचा पार्ट इसमें क्या रहेगा, ई की पावर जेड अपोन जेड प्लस आई और जेड माइनस आई की बेइज्जती नीचे अलोंग सी वन। फिर प्लस इस वाले इंटीग्रल को देखें तो ये सी टू के अलोंग निकालना है, इसमें से अगर हम देखें तो सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू आई और माइनस आई इसकी भी बन रही है, बट सी टू सर्कल में कौन लाई कर रहा है, सी टू सर्कल में लाई कर रहा है, यहाँ पर देखें तो सी टू ये वाला सर्कल था, इस सर्कल में कौन लाई कर रहा है, ओनली माइनस आई। तो इसलिए माइनस आई कौन से फैक्टर से आएगा, जेड प्लस आई वाले से, तो जेड प्लस आई को नीचे छोड़ेंगे
बेइज्जती के साथ, और बाकी को कॉलर उठाकर ऊपर e की पावर जेड टी अपॉन जेड माइनस आई को ऊपर ले जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम कोची इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं। क्या कहता है फार्मूला, जो ये कॉलर उठाकर ऊपर लिखे हैं इंटीग्रल निकालना है तो 2πi इंटू ये जो ऊपर लिखे हैं e की पावर जेड टी अपॉन जेड प्लस आई, इसमें वैल्यू रख दें जो सर्कल के अंदर थे, तो कौन था जेड इक्वल टू आई था तो आई रख देंगे। ठीक है ऐसे ही इसमें इसका इंटीग्रल निकालना है तो इसमें भी 2πi इंटीग्रल की वैल्यू होगी 2πi इंटू जो कॉलर उठाकर लिखे हैं क्या लिखे हैं ये वाली वैल्यू e की पावर जेड टी अपॉन जेड माइनस आई, इसमें सिंगुलरिटी रख देंगे। क्या थी सिंगुलरिटी, सी टू सर्कल के अंदर जेड इक्वल टू माइनस आई। ठीक है अब इसे रखेंगे तो 2πi तो हमारा कॉमन आ गया। ठीक है अब इसमें आई रखेंगे तो क्या आएगा e की पावर आई टी, जेड की जगह पर रखने ना और नीचे हो जाएगा 2i, इसमें रखेंगे ये तो 2πi कॉमन ले चुके, माइनस आई रखने इसमें तो ये आएगा प्लस e की पावर माइनस जेड की जगह पर आई रखेंगे माइनस आई तो माइनस आई टी अपोन यहाँ रखेंगे तो ये माइनस का 2i आएगा, आई माइनस आई माइनस आई माइनस का 2i। ठीक है ये आ जाएगा और अगर हम ध्यान से देखें तो 2πi इंटू ये बना e की पावर आई टी माइनस e की पावर माइनस आई टी अपॉन 2i, और हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू होती है किसके इक्वल साइन टी के, तो हमारा आंसर बन जाएगा 2πi इंटू साइन टी। ठीक है तो ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2013-14 में आया हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने कोची इंटीग्रल फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए। बाकी बचे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपके लिए वो जो इसके पार्ट्स बच रहे हैं। ठीक है आगे की फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी अच्छी अच्छी जो टॉपिक्स हैं उन पर रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।